अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ईशान अली शाकिर। टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 10, अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट बाय डोरिस लेसिंग। इसके एक्सरसाइज पर के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 64 पर। एमसीक्यूज पहले लिखे हुए हैं। एमसीक्यूज का पोर्शन आपको पता है पेपर में 5 मार्क्स का आता है। उस 5 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, और वो एमसीक्यूज जो हैं वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, टेक्स्ट में से भी आ सकते हैं, तो टेक्स्ट को भी केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। अभी हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर। सही जवाब का इंतखाब करें। व्हाई डिड द कुक बॉय रन, बावर्ची क्यों भागा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, टू समन द लेबरर्स, मजदूरों को बुलाने के लिए। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले का बी है। नंबर 2, व्हाई डिड द हाउस बॉय रन ऑफ टू द स्टोर। अब मुलाजिम गोदाम की तरफ क्यों भागा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू कलेक्ट एनी बिट ऑफ मेटल, धातु का कोई टुकड़ा इकट्ठा करने के लिए, सी। तो नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 3, व्हाई डिड दे थ्रो वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स। उन्होंने आग पर गीले पत्ते क्यों फेंके। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए, टू मेक द स्मोक एक्रेंट एंड ब्लैक, धुएं को कड़वा और स्याह बनाने के लिए। तो 3 वाले का ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड दे नीदर वेंट बैंकरप्ट नॉर गॉट वेरी रिच, ना तो वो दिवालिया हुए ना ही ज़्यादा अमीर हुए। मीन्स दैट दे वर, इसका मतलब है कि वो थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इन्जॉइंग अ मॉडरेट लिविंग, कि वो दरमियाने दर्जे की ज़िंदगी यानी मोतदल लाइफ, जो ज़िंदगी है बैलेंस्ड लाइफ है, वो गुजारे थे, उस पर लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। तो 4 वाले का सी है। हाउ डिड द लॉकस अटैक द क्रॉप्स, अब टिड्डियाँ फसलों पर कैसे हमला करती हैं। ए, वन बाय वन है इसका, ठीक है। बी में इन ग्रुप्स है। सी, सी वाला ऑप्शन जो है इसका ठीक है, इन स्वाम्प्स, लश्कर की सूरत में, इन स्वाम्प्स। तो 5 वाले का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 6, व्हाई डिड द पीपल बीट द टीन कैंस, लोगों ने टीन के डिब्बे क्यों बजाए। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, टू कीप द इंसेक्ट्स अवे, कीड़ों को दूर रखने के लिए, 6 वाले का बी। नंबर 7, व्हाट डिड द फार्मर्स डू एट द टाइम ऑफ अटैक, हमले के दौरान किसानों ने क्या किया। इसका बी ऑप्शन ठीक है, दे टुक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कीप द लॉकस्ट अवे, कीड़ों को दूर रखने के लिए उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाई। बी वाला ऑप्शन ठीक है। नंबर 7, लॉकस्ट अटैक इन द एरिया ऑफ, कितने एरिए पर उन्होंने हमला किया था टिड्डियों ने। सी है, 50 माइल्स, 50 मील के एरिया में उन्होंने हमला किया था। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9, व्हाट मेड द बाउज ऑफ ट्रीज वेट टू द ग्राउंड, किस चीज़ की वजह से वजन से जो शाखें हैं वो ज़मीन पे झुक गई थी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, लॉकस्ट, टिड्डियों की वजह से, उनके बोझ की वजह से वो ज़मीन पे झुक गई थी। तो 9 वाले का बी है। नंबर 10, हाउ डिड द लैंड लुक आफ्टर द लॉकस्ट हैड मूव टू द साउथ, अब जब टिड्डियाँ जुनून की तरफ जा चुकी थी तो उसके बाद जो तबाही वगैरह पैदा हुई थी खेतों में, उस खेतों की हालत अब कैसी थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अ डिवास्टेटेड लैंडस्केप, एक तबाहशुदा ज़मीन का टुकड़ा था। तो नंबर 10 का डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। व्हाइट बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं इसको लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने बुक पे भी आपको ऐसे रीड आउट करके बता दिया। अब ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आते स्टूडेंट्स, आप नंबर 3 पर आ जाएं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। मैं यहाँ से पढ़ता जाता हूँ, आपके पास जो हेल्पिंग गाइड है, ठीक है, जो भी नोट्स वगैरह हैं, आपने उससे इसको जो है वो याद करना है। आप मुझे वर्बली वैसे ऑरली सुन लें, मैं पढ़ता जाता हूँ क्वेश्चंस को, इसके आंसर्स भी पढ़ूंगा, बुक में से भी आप देख सकते हैं, और जो हेल्पिंग गाइड आप उसमें से भी इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर लॉकस्ट, टिड्डियाँ क्या होती हैं, ठीक है, टिड्डियाँ क्या हैं। तो लॉकस्ट आर स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ये छोटे उड़ने वाले कीड़े होते हैं, और दे बिलोंग टू और दे फाइंड इन हॉट कंट्रीज लाइक एशिया एंड अफ्रीका। ये हॉट स्टेट्स में, कंट्रीज़ में, गर्म ममालिक में पाया जाता है, जैसा कि एशिया एक सल्तनत है पूरे सब कॉन्टीनेंट, ठीक है, और उसी तरह से अफ्रीका में पाए जाते हैं।
दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्वार्म, लश्कर की सूरत में सफ़र करते हैं। दे ईट एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, ये फसलों को खा जाते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। वाई डिड फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर, आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कि किसानों ने आग पर गीले पत्ते क्यों फेंके। तो दे थ्रू, सेकेंड फॉर्म आएगी, दे थ्रू द वेट लीव्स ऑन फायर टू मेक द स्मोक एक्यूरेट एंड ब्लैक, धुएं को कड़वा और स्याह बनाने के लिए उन्होंने आग पर गीले पत्ते फेंके। वट वॉज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर, इससे भी आप आगाह हैं कि हर किसान की ख्वाहिश क्या थी। तो एवरी फार्मर डिज़ायर्ड द लॉकस टू ओवरलुक देयर फार्म्स एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, हर किसान की ख्वाहिश थी कि टिड्डियाँ उनके खेत को नज़रअंदाज कर दें और अगले खेत में चली जाएँ। डिड मार्गरेट, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड मार्गरेट नो व्हाट टू डू टू कीप द लॉकस्ट अवे, क्या मार्गरेट जानती थी कि टिड्डियों को दूर रखने के लिए क्या किया जाए। तो शी कुड डू नथिंग टू कीप द लॉकस्ट अवे, मार्गरेट उन्हें दूर रखने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। शी न्यू नथिंग, वो कुछ नहीं जानती थी, बिकॉज शी हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ सच कैलेमिटी, ऐसी मुसीबत का उसे कभी भी तजुर्बा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप ज़रा देखें, What was the condition of trees? दरख्तों की हालत क्या थी? तो the trees looked queer and stale. जीभ और साके नज़र आ रहे थे। They were clotted with insects, कीड़ों से भरे हुए थे। Their boughs bent down to the ground due to the weight of insects, कीड़ों के बोझ की वजह से उनकी शाखें ज़मीन पर झुकी हुई थी। How did old Stephen treat the stray locust? अब बूढ़े स्टीफन ने भटकी टिड्डी के साथ क्या किया? तो he picked the stray locust off his shirt, कमीज से उसने उसे पकड़ा, and split down with his thumbnail, अपने अंगूठे के नाखून से उसे मसल दिया। It was full of insects, ये eggs, अंडों से ये भरी हुई थी। Next question देखिएगा, Are the hoppers different from the locust? होपर्स होता है फुदकने वाली टिड़ियाँ, कि जो जंप करती हैं, जैसे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, ठीक है, मतलब वो स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं होपर्स, लार्वास जो होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं जिनके बच्चे होते हैं, क्या वो बड़ी टिड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं? क्वेश्चन ये है। तो द होपर्स आर द यंग लॉकस्ट, ये जवान टिड्डियाँ, छोटी टिड्डियाँ होती हैं, वाइल द लॉकस्ट आर फुल ग्रोन इंसेक्ट्स, जबकि जो टिड्डियाँ हैं जवान शरात होते हैं, वो बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, इतना सा फ़र्क है। Did Margaret, next question, lose heart on the loss of crops, फसलों की तबाही पर, उनके नुकसान पर क्या Margaret हिम्मत हार गई थी? Yes, जी हाँ, she lost her heart, अपनी हिम्मत हार गई थी। She did not want even to think of locust, वो टिड्डियों के बारे में अब सोचना भी नहीं चाहती थी। She thought that उसे लगता था कि the countryside was fully ruined, के देही इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। Next question, Why are the locust compared with bad weather? कि टिड्डियों को ख़राब मौसम से कंपेयर क्यों किया जाता है, मवाजना क्यों दिया उसको किया गया, उसको किया जाता है। तो मार्गरेट थॉट दैट, आंसर इसका है कि मार्गरेट थॉट दैट कि द लॉकस्ट वुड बी लाइक बैड वेदर, कि ख़राब मौसम की तरह है, लाइक अ बैड वेदर, ख़राब मौसम की तरह, दे कुड अपीयर एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे नमूदार हो सकती है। Why did the men eat their supper with good appetite? तो जो मर्द थे, जो लोग आदमी थे, उन्होंने पेट भरकर खाना क्यों खाया, शाम का खाना। तो they had fought with locusts the whole day. आंसर इसका यह बन रहा है कि जी उन्होंने मुकम्मल पूरा दिन जो है वो टिड्डियों के साथ लड़ाई में गुजारा था। They were tired and hungry, अब वो थक गए थे, भूखे थे, so they ate their supper with relish, या विद गुड एपीटाइट, उन्होंने पेट भर के या मज़े से शाम का जो खाना था उसे खाया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर थे, और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज में, कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 100 वर्ड्स, ये नहीं करना आपने, स्मार्ट सिलेबस में भी ये शामिल नहीं है, ये आप भी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे कि राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ईच सेंटेंस, आप एग्जांपल देखें, एक फॉर्म ऑफ वर्ब की उसने दी हुई है कि जी द सर्वेंट्स केम आउट एंड गेज, ब्रैकेट में गेज है, अब इसका जो सॉल्व उसने दिया हुआ है, उसने गेज की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, गेस्ट, यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी फर्स्ट फॉर्म है इन्हें आपने सेकंड फॉर्म में तब्दील करना है। यहाँ वाइट बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, आप ज़रा देख भी सकते हैं बुक पे भी और वाइट बोर्ड पे भी, कि द स्टीफन नंबर 1 है, स्टीफन ब्रैकेट में आता है येल एट दिस हाउस वाई, अब येल की जगह सेकंड फॉर्म येल्ड आएगी, ठीक है, येल्ड, सेकंड फॉर्म येल की येल्ड है। नंबर 2 मार्गरेट ब्रैकेट में सी है, स्मोक ऑफ फायर राइजिंग ऑल अराउंड, अब सी की सेकंड फॉर्म सॉ होती है, आप सॉ लिखेंगे। नंबर 3 ओल्ड स्मिथ हैड, ब्रैकेट में हैज़ है, हिज क्रॉप्स ईटन टू द ग्राउंड, अब हैज़ की जगह आप हैड लिखेंगे।
उसके बाद नंबर फोर है द सनलाइट कम डाउन डिस्टॉर्टेड कम की जगह केम आ जाएगा, और नंबर फाइव पर है द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ब्रैकेट में सीम है तो आप सीम्ड लिखेंगे, सीम की सेकंड फॉर्म सीम्ड, इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है सब में, आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देख भी सकते हैं, सॉल्व भी किया हुआ है। पंक्चुएशन के लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर ये आपका सिक्स है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स, इसमें आप ज़रा आ जाएँ अपने पेज नंबर 63 पर, 63 पर ये जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग, यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, इसी से नीचे लाइन आ रही है इन्वर्टेड कॉमास में, ऑल द क्रॉस फिनिश्ड, यहाँ से ये आपकी पंक्चुएशन स्टार्ट होती है एक्सरसाइज वाली, फिनिश्ड ये फुल स्टॉप आ गया, नथिंग लेफ्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ही सेट कॉमा फुल स्टॉप, ये उसने कहा फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टार्ट होता है कैपिटल वर्ड से, बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग कॉमा द मेन स्टिल शाउटिंग कॉमा एंड मार्गरेट आस्क्ड, मार्गरेट ने पूछा ठीक है कॉलन, और इन्वर्टेड कॉमास बिगिन व्हाई डू यू गो ऑन विद इट कॉमा देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा उसने, और इसी तरह से यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये ख़त्म हो गए बंद हो गए। तो ये आपका एक पोर्शन था पंक्चुएशन का, आपको इसके लेक्चर्स भी जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स पर के हाउ टू यूज़ पंक्चुएशन मार्क्स वाइल अटेम्प्टिंग द अनपंक्चुएटेड लाइंस, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है उस हवाले से आपको एक लेक्चर भी इसके जो है वो दिए जाएंगे इन कमिंग लेक्चर्स, जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें आपको इसके हवाले से प्रॉपर बताया भी जाएगा। ये एक्सरसाइज का भी हिस्सा है, क्वेश्चन है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपने इसको जो है वो मैंने पैराग्राफ बता दिया, आपने उसके अकॉर्डिंग इसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन नहीं है, प्रपोजिशन आपको पेपर में नहीं आती फर्स्ट ईयर में, ये पार्ट टू में आती है, आपने ये नहीं करनी। नंबर एट, नंबर एट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, आखिर पर जो सवाल दिए हुए हैं उससे उसके जवाब दें और पैसेज को पढ़ें। नाइन्थ क्लास में स्टूडेंट्स आपने किया था कम्प्रहेंशन पैराग्राफ, उसमें पैराग्राफ होता है उसमें क्वेश्चन आंसर्स नीचे दिए होते हैं, उसे आपने पढ़ के उसको क्वेश्चन आंसर्स को लगाना होता है, सेम इज़ हेयर, यहाँ भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखें कि वाई डिड मार्गरेट वंडर, मार्गरेट मतलब क्यों सोचा, तो इसका आंसर यहाँ से बनता है कि फर्स्ट लाइन ही है, मार्गरेट वॉज वंडरिंग वॉट शी कुड डू टू हेल्प, और उसके बाद शी डिड नॉट नो, यहाँ तक इसका आंसर बनता है, इसको यहाँ ब्रैकेट मार्गरेट से स्टार्ट होती है और डिड नॉट नो पर क्लोज करते हैं इसे। नंबर टू क्वेश्चन का कि व्हाट डिड ओल्ड स्टीफन से, बूढ़े स्टीफन ने क्या कहा, आपको पता है उसने क्या कहा था, यहाँ पे ये देखें नीचे ही लाइन है कि वी आर फिनिश्ड, कि हम तबाह हो गए, मार्गरेट मार्गरेट फिनिश्ड, दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, यहाँ पे ये आंसर ख़त्म होता है ठीक है। नंबर थ्री व्हाट डिड ही डिज़ायर, उसकी अब ख्वाहिश क्या थी, ख्वाहिश अब ये बिल्कुल इस ये आगे ये जो आ रहा है एंड इट इज़ ओनली ओनली अर्ली आफ्टरनून, इसके बाद एक लाइन स्टार्ट हो रही है कि इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मॉग, यहाँ से ब्रैकेट आप बिगिन करेंगे स्टार्ट करेंगे और मेक इनफ नॉइज टिल द सन गोज डाउन दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, यहाँ पर आपका आंसर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर आपका ये आंसर आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर यहाँ तक होगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन आंसर जो मैंने पढ़े हैं उन्हें बार बार सुनिएगा भी, और आप अपनी जो आपके पास हेल्पिंग गाइड है उससे भी असिस्टेंस ले सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के साथ अब हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।